Still, I can't explain that I wasted my 12 days on this shit drawing. Wow, congratulations. दोस्तों, आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि सिर्फ कलर पेंसिल से एनिमी आर्टवर्क बनाओ। आई नो सिर्फ कलर पेंसिल से रियलिस्टिक आर्टवर्क बहुत खूबसूरत बनता है, पर क्या एनिमी आर्टवर्क सिर्फ कलर पेंसिल से अच्छा बनेगा? आई नो बहुत सारे लोग इस टाइम पे बहुत कंफ्यूज है और सोच रहे हैं व्हाट इज सिर्फ कलर पेंसिल। सिर्फ कलर पेंसिल क्या है? क्या कलर पेंसिल के साथ कुछ मसाले देना पड़ता है? नहीं, सिर्फ कलर पेंसिल का मतलब यह है कलर पेंसिल से ही हम बेस लेयर लगाएंगे और दूसरा कोई मीडियम जैसे कि अल्कोहल मार्कर, ब्रश, पेन, वाटर कलर, ऐसे कोई मीडियम हम यूज नहीं करेंगे बेस लेयर लगाने के लिए। और मैंने कौन कौन से आर्ट मटेरियल्स यूज किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। डोंट वरी, सारे सस्ते होंगे, गारंटी। देखो भाई, कितने भी सस्ते मटेरियल्स हो जाए पर एक रेफरेंस तो चाहिए ना, नहीं तो ड्राइंग कैसे करूं मैं? मेरी इमेजिनेशन तो कोई खूबसूरत सी पड़ी नहीं है, तो मेरे को एक रेफरेंस चाहिए था। तो कमेंट करके बताना यार किसका रेफरेंस मैंने यूज किया है, क्योंकि मैंने छोटा सा व्यू दिया है पहले। जब मैं ये पेपर के बारे में सोचता हूँ ये मेरे को फीलिंग देता है स्टारबक्स, पर ये एक्चुअली है डॉली चाय वाला। आई मीन ये पेपर दी फील करता है बहुत एक्सपेंसिव है पर एक्चुअली बहुत सस्ता है। तो कैन यू गेस द पेपर? नहीं, चलो मैं ही बता देता हूँ, यह है आइवरी पेपर जो बहुत सस्ता है। हेलो हेलो, एक चीज बताना भूल गया, सुनो। मैं आपको लास्ट में कंपेयर करके बताऊंगा एक बेस लेयर लगाने वाला वाटर और विदाउट बेस लेयर, मतलब कि बेस लेयर लगाऊंगा पर सिर्फ कलर पेंसिल से, दोनों आर्टवर्क में कितना ज्यादा डिफरेंस है ये आपको मैं दिखाऊंगा। लिटरली यू कांट एक्सपेक्ट। मैंने बोला है यू कांट एक्सपेक्ट क्योंकि मेरे को पता है भाई कैसा रिजल्ट होने वाला, मैं सब जानता हूँ क्योंकि मैंने ही बनाया ड्राइंग। ऐसे लेम जोक्स कौन सुनाता है भाई? बाय द वे, कैमरामैन थोड़ा सा फोकस करो, मेरे को कुछ बताना है। तो पहली बात सुनो, बहुत लोग बोलते हैं मेरे को आउटलाइन बनाना नहीं आता। आउटलाइन बनाने के लिए कोई सीक्रेट तरीका नहीं है, या तो ग्रिड मेथड यूज करो या तो फ्री हैंड करो। फ्री हैंड के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है, उसके लिए आपको मैं ट्रिक बता सकता हूँ आपको कैसे करना है प्रैक्टिस। देखो, प्रैक्टिस तो खुद को ही करना पड़ता है, पर एक्चुअली वो प्रैक्टिस करने का सोच दिमाग में कैसे लाना चाहिए? जब भी प्रैक्टिस करने के लिए बैठो ये सोचो कि मेरे को बस 10 मिनट के लिए प्रैक्टिस करना है। बैठो, 10 मिनट हो जाएगा कब आपको खुद ही पता नहीं चलेगा और देखो कितना ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस हो गया। सिर्फ यही नहीं, सुनो, आपको पता है ना कलर पेंसिल से आर्टवर्क बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पर कितना ज़्यादा नहीं पता ना? तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कितना ज्यादा टाइम लगता है एक कलर पेंसिल से आर्टवर्क बनाने में। सो हियर आई एम गोना यूज डोम्स कलर पेंसिल, सुपर सॉफ्ट, नॉर्मल वाला नहीं है क्योंकि ये खराब होते भी है यही सबसे अच्छा है हमारे पास। और इसकी हालत देखो, बेचारे की अंतिम संस्कार करने की टाइम आ गई है। बाय द वे यार, मैंने आपको बताया था कि मैंने कलर पेंसिल में कितना टाइम दिया है ये आपको बताऊंगा, पर स्टिल मुझे और एक चीज बताना चाहिए, मैंने अपना आउटलाइन में कितना टाइम दिया है। तो मैं आउटलाइन का दो वीडियो बनाया था, दो वीडियो में जितना टाइम लगा उतने से थोड़ा सा ज़्यादा मेरे आउटलाइन में लगा था, पर एग्जैक्ट दोनों वीडियो का जो रिकॉर्ड टाइम है उसे ही पकड़ लेते हैं। तो पहले वाले वीडियो का रिकॉर्ड टाइम है कुछ 27 मिनट्स के करीब और सेकेंड वाले वीडियो का टाइम है 12 मिनट्स के करीब कुछ, तो ऐसे समझ लेते हैं ऑल टोटल 40 मिनट्स है, जो स्टिल बहुत कम है। एग्जैक्टली, और थोड़ा ज़्यादा टाइम देना चाहिए था, बिकॉज मैंने ज़्यादा डिटेल नहीं दिया तो ऑब्वियसली कम टाइम लगा, इसलिए ख़त्म हो गया। बस ये आउटलाइन बनाने में ही मेरा एक दिन पूरा चला गया क्योंकि मैं बहुत बिजी रहता हूँ यार। नहीं यार, ये तो एक्सक्यूज़ है। बाय द वे अपने एनिमी कैरेक्टर की तरफ फोकस करते हैं। एनिमी कैरेक्टर के कलरिंग में मैंने बालों से शुरू किया कलरिंग, मतलब बाल पहले कलर करेंगे बिकॉज वो ऊपर आते हैं, ऊपर की तरफ से नीचे आएंगे हम। और इसके बाल कुछ पिंकी प्रॉमिस की टाइप था। आपने गेस कर लिया ना ये किसका पोर्ट्रेट है, ये कौन सा एनिमी कैरेक्टर है? आप लोगों ने ही मेरे पोल पे ये वोट दिया था ये बनाने के लिए, इसलिए मैं बना रहा हूँ। गाइस, डू यू नो आई हेट कलर पेंसिल, मेरे को कलर पेंसिल यूज करना थोड़ा सा भी पसंद नहीं बिकॉज ये बहुत टाइम टेकिंग है, मेरे को इतना पेशेंस नहीं है मेरे अंदर यार, पर स्टिल मैं आप लोगों के लिए ये करता हूँ। आप लोग बहुत चाहते हो मैं कलर पेंसिल से ड्राइंग करूँ, बहुत लोग कलर पेंसिल को देखने में भी इंटरेस्ट होते हैं बिकॉज कलर पेंसिल वन ऑफ द टफेस्ट मीडियम है और जो सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, यही लोग सोचते हैं, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। कलर पेंसिल सीखना बहुत आसान है, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ट्रिक फॉलो करना पड़ता है और जो ट्रिक मैं फॉलो करता हूँ उसमें 100% एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आता रेफरेंस की तरह, पर स्टिल मेरे को इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं चाहिए, मैं खुश हूँ, मेरे को जितना मिला उतना ही खुश हूँ। जो ट्रिक मैं फॉलो करता हूँ उसमें टाइम भी कम लगता है, जो ट्रिक मैं फॉलो करता हूँ उसमें सबसे पहले आपको बेस लेयर बनाना पड़ता है। बेस लेयर? लोग सोच रहे ये बेस लेयर क्यों लगाना है हमको, ये कौन सा ट्रिक है भाई?
ट्रिक बेस लेयर लगाने में नहीं है, ट्रिक ये है बेस लेयर सिर्फ लगाना नहीं है, बेस लेयर लगाना है दोनों कलर को मिक्स करके। मुझे थोड़ा सा डार्क स्किन टोन चाहिए, तो मैं ब्राउन को और वो स्किन टोन जो है दोनों को मिला के एक स्किन टोन बनाऊंगा। मतलब ऐसे कुछ बेस कलर बनाना है एंड देन उसके ऊपर कुछ डिटेलिंग हो तो उसके ऊपर डिटेलिंग करना है। तो ये बेसिक ट्रिक मैं मोस्ट ऑफ द टाइम फॉलो करता हूँ और इसी ट्रिक से मैंने ये पूरा ड्राइंग किया है, बिकॉज यहाँ पर ज़्यादातर स्किन टोन ही है, 90% स्किन टोन है। पर क्या बताऊँ यार, ये तरीका फॉलो करके भी मुझे स्मूथ इफेक्ट ही नहीं मिला अपने ड्राइंग में, और जिसके कारण मैंने बोला है मैंने अपना 12 दिन बर्बाद किया है। तो क्या हम सिर्फ कलर पेंसिल से अच्छा आर्ट वर्क नहीं बना सकते? नहीं, ऐसा नहीं है, बना सकते हो, बट आपको बेस लेयर लगाने के लिए कोई दूसरा मीडियम यूज़ करना पड़ेगा। बिकॉज इसके पीछे लॉजिक है, देखो मीडियम, दूसरा कोई मीडियम यूज़ करते हैं वो वाटर कलर हो, ब्रश पेन हो, वो तो काइंड ऑफ वाटरी मीडियम है। तो वाटरी मीडियम यूज़ करने से पेपर का कोई टेक्सचर नहीं बचता, पूरा फिलअप हो जाता है। देन उसके ऊपर यूज़ करते हैं तो वो काइंड ऑफ स्मूथ इफेक्ट दिखाता है, एक्चुअली उसमें भी रफनेस रहता है, पर उसमें पहले हम डार्क टोन यूज़ कर देते हैं जो पेपर को टोटली डार्क बना देता है, कोई भी पैचेस नहीं दिखता। उसके ऊपर जब आप कलर पेंसिल यूज़ करते हो तो उसका पैचेस दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो पहले डार्क हो जाता है, क्योंकि डार्क टोन में पैचेस ज़्यादा नहीं दिखते और कलर स्मूथ दिखते हैं। और जब हम सिर्फ कलर पेंसिल यूज़ करते हैं तब क्या होता है, तब पेपर एकदम वाइट होता है, और वाइट कलर के ऊपर कोई भी हार्ड डार्क कलर यूज़ करते हैं तो उसका पैचेस दिखाई देता है वाइट कलर के ऊपर। तो ये एक बेसिक रीज़न है जिसके लिए मैं पसंद करता हूँ एक बेस लेयर लगाना दूसरे मीडियम से। आई डोंट नो आपको समझ आया कि नहीं, पर मैंने अपना 100% देके समझाने की कोशिश किया। तो देखो यही बेसिक रीज़न मुझे लगता है कलर पेंसिल सिर्फ यूज़ करने से ये प्रॉब्लम होता है। तो आप बात करते हैं मैंने कितना टाइम स्पेंड किया इस ड्राइंग के ऊपर। मैं एक एक करके रिकॉर्ड टाइमिंग दिखाऊंगा और उसके हिसाब से आपको बताऊंगा कितना टाइम लगा है। तो सबसे पहले बताता हूँ मैंने बालों में कितना टाइम दिया है। मैंने 3 बार रिकॉर्ड किया था बालों में। पहले बार मैंने रिकॉर्ड किया 30 मिनट के लिए, दूसरा बार मैंने रिकॉर्ड किया है 12 मिनट के लिए, एंड तीसरा बार रिकॉर्ड किया है 16 मिनट्स के लिए। तो ऑल टोटल जो होता है वो है 58 मिनट्स, जो करीब करीब होता है 1 घंटे के करीब। मतलब 1 घंटा पूरा ये बाल के एरिया में चला गया मेरा, जिसमें ना कुछ HD क्वालिटी टाइप शेडिंग है, मतलब पूरा ही टाइम गया है मेरा, पर एक्चुअली कुछ रिजल्ट नहीं आया, बिकॉज ये चीप कलर पेंसिल है, चीप कलर पेंसिल से रिजल्ट लाना बहुत प्रॉब्लमेटिक है भाई। इसके बाद आता है फेस का एरिया और थोड़ा सा बैकग्राउंड जो मैंने ऐड किया है उसके साथ, जिसका पहले वीडियो का क्लिप है 21 मिनट्स का, दूसरा क्लिप है 34 मिनट्स का, और तीसरा क्लिप है 40 मिनट्स का, और इधर ख़त्म नहीं हुआ है, चौथा भी क्लिप है जिसका टाइम लगा है 21 मिनट। मतलब बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगा है, और जिसका ऑल टोटल होता है 116 मिनट्स, मतलब कि 1 घंटा 56 मिनट, जो करीब करीब 2 घंटे के आसपास ही है भाई। 2 घंटा लगा दिया मैंने ये स्किन बनाने में, हाय बॉ। ऐसे ही आप सोच रहे होंगे, बिकॉज आपको पता है ना 2 घंटा बहुत ज़्यादा होता है, पर एग्जैक्टली ये बहुत कम टाइम है, इससे भी ज़्यादा टाइम देना पड़ता है जब आप कुछ अच्छे से स्मूथली शेडिंग करते हो, इसलिए मेरा पैचेस बहुत भर भर के दिख रहा है। तो यही कारण है, इसलिए मैं फटाफट काम करना पसंद करता हूँ, और इसलिए मैं बेस लेयर लगाना भी पसंद करता हूँ दूसरा मीडियम से, कलर पेंसिल से बेस लेयर मेरे को पसंद नहीं। चलो ये तो हो गया हेयर और फेस, पर हैंड में कितना टाइम लगा? मैंने हैंड के लिए एक 90 मिनट का वीडियो शूट किया है और एक 21 मिनट का वीडियो शूट किया है, ऑल टोटल दोनों मिला के हुआ है 40 मिनट्स। हैंड्स होने के बाद जो अदर ऑल टोटल एरिया है जो मैं एक साथ बता दूंगा, तो पहले वाला एरिया मैंने छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया था करीब 7 मिनट का, दूसरा बार जब किया मैंने रिकॉर्ड किया था 30 मिनट का, और तीसरा बार 20 मिनट्स का, चौथा बार भी किया है जो है 91 मिनट्स का, एंड फिफ्थ वे किया है जो है 26 मिनट का। मतलब कि बहुत टाइम तक ये रिकॉर्ड करना, मतलब बहुत बड़ा एरिया था इसलिए। तो ऑल टोटल हुआ है इसके 102 मिनट्स, जो स्टिल कम है फेस के कंपैरिजन में, बिकॉज फेस में ज़्यादा टाइम दिया था मैंने। और 102 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करें तो 1 घंटा 42 मिनट्स होता है, और एग्जैक्टली इस पार्ट में मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड नहीं किया था तो 2 घंटे के करीब इस पार्ट में लगा था। इसके बाद मेरा ड्राइंग हो गया था मैंने सोच लिया था, पर एग्जैक्टली नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने आउटलाइन ना किया था, मैंने ना हाईलाइट दिया था, मैंने बस शेडिंग किया था। तो आउटलाइन के लिए मैंने ब्लैक पेंसिल यूज़ करके फिर से आउटलाइन किया, पर उसके लिए जो टाइम लगा था वो था 30 मिनट्स, मतलब डिसेंट था, मतलब आउटलाइन के लिए और हाईलाइट दोनों मिला के 30 मिनट्स लगा था। तो ऑल टोटल करें तो सारे टाइम को, जैसे कि हेयर, फेस, हैंड, अदर जो पार्ट, एक्स्ट्रा आउटलाइन,
तो ऐसे कुछ टाइम मिला के ऑल टोटल करके हमारा हुआ है 5 hours 48 minutes, मतलब कि करीब करीब 6 घंटे में मैंने ये ड्राइंग ख़त्म किया है। पर स्टिल बड़ा दिन लग गया बिकॉज आई एम नॉट अ फुल टाइम कॉन्टेंट क्रिएटर, मेरे को टाइम लगता है एक वीडियो करने में, और ऑब्वियसली 6 घंटे में एक ड्राइंग होगा तो टाइम तो लगे ना भाई। तो आप मुझे कमेंट करके बताना आपके कलर पेंसिल ड्राइंग में आप कितना टाइम देते हो कि आपको कुछ अच्छा रिजल्ट मिल जाए। मैं तो करीब करीब 6 घंटे का टाइम दिया हूँ सिर्फ कलर पेंसिल से। जब मैं दूसरा मीडियम यूज़ करता हूँ तब इतना टाइम नहीं लगता, तब करीब करीब 4 घंटे में ख़त्म हो जाता है, और कुछ टाइम तो उससे भी जल्दी हो जाता है क्योंकि मैं कुछ कुछ एरिया पे कलर पेंसिल करता ही नहीं हूँ, क्योंकि जो रेफरेंस में है वैसा कुछ मैच हो जाए तो पहले से ही मैं कलर पेंसिल यूज़ करना पसंद नहीं करता, बस डायरेक्टली हाईलाइट देता हूँ, बस ख़त्म। तो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत के टाइम पे और एक चीज़ बोला था, आई थिंक आप भूल गए हो, पर मैं फिर से बताता हूँ। मैं बोला था मैंने कंपेयर करके बताऊँगा, तो एक सिर्फ कलर पेंसिल वाला ड्राइंग जो मैंने ये वाला करा है इसे लेते हैं, और एक मेरा पुराना ड्राइंग जो कलर पेंसिल विथ एल्कोहल मार्कर मैंने यूज़ किया था और ब्रशपिन भी यूज़ किया था वो वाला ड्राइंग लेते हैं। दोनों को कंपेयर करके मैं इतना बता सकता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा पैचेस है और उसमें बहुत ज़्यादा पैचेस नहीं है, और उसमें बहुत ज़्यादा कम टाइम लगा था और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मेरा। तो मतलब इतना डिफरेंस तो होता है कि आपको कम टाइम में अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा आप पहले कोई मीडियम यूज़ करते हो तो, और पहले कोई मीडियम यूज़ नहीं करते हो तो आपको कम टाइम में तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, और ज़्यादा टाइम दोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा अच्छा रिजल्ट के लिए।